बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि हम एक प्रोजेक्ट के इस तरह अटकेट में बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अटकेट में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ ये वीडियो में बाई पार्ट्स अपलोड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो फिर इंसान बोर भी हो जाता है। अगर बोर नहीं हो जाए तो नेट की इशू की वजह से अपलोडिंग में भी बहुत मसला होता है। इसलिए अभी मैं जाता हूँ और टिकट को ओपन करता हूँ, और हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बाई पार्ट्स सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा। तो आया टिकट को ओपन करते हैं। यह मतलब टिकट की इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर यह मतलब 3D मॉडलिंग में है, ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन में करता हूँ उसको। अभी यहाँ पर पहले तो हमने यूनिट सेट करना होगा। तो यूनिटी ये हमारे साथ इंजीनियरिंग में ही है, और ये हमारे साथ सेकंड ऑप्शन पे है। इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल मैं लूँगा, रेक्टेंगल लाइन लेता हूँ। तो ये तकरीबन मैं 50 फीट लेता हूँ। इंटर। यहाँ पर एक लाइन में लेता हूँ अगेन, इसको मैं 50 फीट करता हूँ। पहले तो इसको ऑर्थोमेट को ले जाता हूँ। 50 फीट इंटर। फिर अगेन इसको 35 फीट लेता हूँ। फिर अगेन यहाँ पर 15 फीट को लूँगा। फिर अगेन 15 फीट। फिर 35 फीट। फिर यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो ये हमारे साथ हमने एक लाइन लिया है। अभी इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अभी यहाँ पर इसका मैं ऑफसेट लूँगा। ऑफसेट है पहले इसका, तो पहले मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन कमांड से इसको सारा सेलेक्ट करूँगा। इंटर। तो ये देखो हमारे साथ ज्वाइन हो गया। अभी इसकी ऑफसेट लेता हूँ, इंटर करूँगा। ऑफसेट हमारे साथ जो वाल्व होता है वो 9 इंच के होता है। इंटर करता हूँ। तो मैंने इंटर कर दिया, देखो ऑफसेट हमने लिया। अभी इसके साथ साथ इसमें मैं अरेंजमेंट करूँगा कि हम इसमें विंडोज़ डोर का कवर अरेंज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर अरेंजमेंट करता हूँ। और इसके लिए तो पहले मैं ये करूँगा कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर का क्रिएट करूँगा, कि ये लेयर हमारे साथ इसके लिए होगा। फिर जब हम काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। लेयर के लिए मैं डायरेक्ट एल ए इंटर करता हूँ। तो देखो हमारे साथ ये बॉक्स ओपन होगी। यहाँ पर मैं न्यू लेयर को क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं पहले विंडो के लिए लेता हूँ। विंडो के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेड कलर लेता हूँ। इसके बाद अगेन एक लेयर क्रिएट करूँगा। डोर के लिए इंटर करता हूँ। फिर अगेन एक लेता हूँ। पिलर के लिए सेलेक्ट करता हूँ। फिर अगेन एक लेता हूँ। ये स्टेयर के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा। इंटर करता हूँ। तो ये इसका कलर मैं चेंज करता हूँ अभी यहाँ से। डोर के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं येलो सही होगा। ग्रीन मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से पिलर के लिए मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। स्टेयर के लिए चलो येलो लेते हैं। ओके करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर भी हमारे साथ क्रिएट हो गई। इसको इंटर करता हूँ। तो अभी मैं बाई लेयर काम करूँगा इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ से मैंने जो लेयर क्रिएट किए थे वो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। अभी पे मैं पहले विंडो की लेयर ओपन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने विंडो बनाना होगा। इसके लिए पहले मैं एक लाइन लेता हूँ। यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे टच करता हूँ। तो अभी मैं मिड पॉइंट इसका मालूम करूँगा। मिड पॉइंट के लिए तो जब भी मैं इस पर देखो, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ
तो देखो डायरेक्ट ये मुझे मीट पॉइंट शो कर गया या आपका मीट पॉइंट है। और इसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये हमें किस तरह शो होगा। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर स्नैप सेटिंग में आना होगा, ऑब्जेक्ट स्नैप पे फिर सेलेक्ट ऑल। ओके, तो आपको प्रोजेक्ट में कॉर्नर, मीट पॉइंट, सेंटर पॉइंट सब कुछ ये रीड ही डॉट से शो होगा। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसका ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट यहाँ से मैं लेता हूँ इसका 2 फीट। अभी अगेन मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगा 4 फीट, क्योंकि डोर विंडो हमारे साथ 4 फीट होता है। इसको एंटर करूँगा, इसकी डायरेक्ट मैं मिरर लेता हूँ उस साइड पे, मैं एक और विंडो बनाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं मिरर कमांड को यूज़ करूँगा इसको, और इसको मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर देखो हमारे साथ मीड पॉइंट डायरेक्ट उसने शो किया, और ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पर मतलब हमारे साथ इंटर होगा। इसके लिए मैं ऑटो मोड लगाता हूँ कि हमारे साथ स्ट्रेट ही आ जाए। इंटर करता हूँ, देखो हमारे साथ यहाँ पर स्ट्रेट ही आ गया। अभी इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक इंटरेस्ट को रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने आपको लोगों को बताया कि हम बाई लेयर काम करेंगे, तो डोर हमारे साथ ग्रीन कलर में हमने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ से एक लाइन लूँगा मैं, ये हमारा सेंटर मिड पॉइंट है। इंटर करता हूँ, फिर इसका ऑफसेट लूँगा मैं। ऑफसेट लेने के लिए मैं 2 फीट इस साइड पे लेता हूँ, 2 फीट इस साइड पे इंटर करता हूँ। अभी इसको मैं ख़त्म करूँगा, यहाँ से TR डबल इंटर, इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ। तो इसके साथ साथ हमने और अरेंजमेंट भी करनी होगी विंडो की। तो इसके बाद मैं अगेन विंडो लेयर में आता हूँ, विंडो लेयर में आके मैं यहाँ से अगेन इसको मिरर करूँगा मिरर कमांड से। देखो हमारे साथ मीड पॉइंट ये है, मैं इंटर करता हूँ तो देखो हमारे साथ ये विंडो यहाँ पर भी क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर भी एक विंडो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी मैं मिरर कमांड लूँगा। फिर अगेन मैं मिड पॉइंट पे आता हूँ, देखो ये हमारे साथ मिड पॉइंट है। इंटर, तो देखो ये हमारे साथ यहाँ पर भी एक विंडो क्रिएट हो गया। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अगेन एक गैप यहाँ पर दे दूँगा, इसका ऑफसेट लेता हूँ पहले 3 फीट देता हूँ, 5 फीट, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर अगेन 4 फीट देता हूँ इंटर, तो हमारे साथ ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अगेन यहाँ से मैं 4 फीट देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो अभी यहाँ पर मैं विंडो की सिंबल शो करना चाहता हूँ। विंडो की सिंबल शो करने के लिए यहाँ से मैं लाइन लूँगा, यहाँ पर भी अभी मैं ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट लेने के लिए अभी ये हमारे साथ 9 इंच है, तो जब भी मैं इसको 3 पे डिवाइड करूँगा तो हमारे साथ कितना आ जाएगा, 3।
इसको मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से भी मैं एक कॉपी लूँगा। इसको मैं अभी ऑटो मोड से ख़त्म करता हूँ। अभी यहाँ पर इस साइड में भी मैंने अभी विंडो को क्रिएट करना है, तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ से एक अगेन मैं कॉपी लेता हूँ इसकी। यहाँ पर क्लिक करूँगा, अभी इसको रोटेट करता हूँ। यहाँ से अभी मैं ऑटो मोड पर लगाऊंगा, फिर हमारे साथ ये स्ट्रेट आ जाएगा। देखो हमारे साथ स्ट्रेट ही आ गया। अभी यहाँ पर जब अभी हमने विंडो को शो करना होगा तो उसी जगह में इसको हम पेस्ट करेंगे। फिर अगेन ऑटो मोड से हटाता हूँ। अभी यहाँ पर हमारे साथ विंडो की सेटिंग हो गई। अभी यहाँ पर एक और डोर भी बाकी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, तो अभी डोर की सेटिंग करूँगा। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट ही डोर की लेयर में जाता हूँ, यहाँ से एक लाइन लेता हूँ। मैं इसको ऑफसेट लेता हूँ अभी पैर तकरीबन 1 फीट। एरिया पर मैं लेता हूँ 4 फीट। फिर ये अगेन यहाँ पर मीट पे एक डोर को मैं शो करूँगा, तो उसके लिए मैं अगेन एक लाइन लेता हूँ। यहाँ से फिर फ्री करते हैं, फिर अगेन अपसेट 2 फीट। तो यहाँ पर भी हमारे साथ डोर क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पर एक डोर बनाऊंगा मैं, अगेन एक लाइन लेता हूँ, यहाँ से मिड पॉइंट पे सेलेक्ट करूँगा। फिर अगेन इस ऑफसेट लेता हूँ 2 2 फीट, एंटर। पहले इस लाइन को मैं ख़त्म करता हूँ, पैर टी और डबल इंटर, तो
तो ये हमारे साथ डोर और इसके साथ साथ हमारे साथ विंडो की सेटिंग हो गई। ये भी यहाँ पर मैं पिलर की सेटिंग करूँगा। पिलर के लिए मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर अभी मैं पिलर की सेटिंग करूँगा। पिलर के लिए मैं डायरेक्ट एक रेक्टेंगल लेता हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैं लेता हूँ 1.5 फीट कॉमा 1.5 फीट इंटर। तो ये हमारे साथ हो गया पिलर। इसको मैं मिरर करता हूँ क्योंकि हमारे साथ थोड़ा बाहर ही आ गया है। इंटर। अभी इसको मैं ख़त्म करूँगा। देखो हमारे साथ ये फिट हो गया। अभी यहाँ पर अगेन मैं एक पिलर लूँगा और वो 2-2 फीट का होगा। रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं 2 फीट कॉमा 2 फीट इंटर। तो ये कुछ इस तरह जगह इसकी कॉपी लेता हूँ मैं, फिर इसको फ्री करता हूँ। तो इसकी एडजस्टमेंट में यहाँ पर एक क्लिक करूँगा और इसके साथ साथ मैं अगेन ये कॉपी लूँगा। एक यहाँ पर मैं सेट करूँगा। तो अब ये इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर अभी मैं एक स्टेयर बनाऊंगा। स्टेयर के लिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से 1 फुट करूंगा। अभी इस लाइन को कॉपी करता हूं मैं, इसके मिड पॉइंट पर इस तरह कॉपी करता हूं। इसको अगेन मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, तो यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा। हमारे साथ जो ट्रेड होता है वो 10 इंच के होता है। ये हमने स्पेसिफिक सेलेक्ट नहीं किया है, पर हम इंशाल्लाह एक स्टेयर की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे कि हम एक स्टेयर को स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ किस तरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारे साथ सिर्फ इसी पर रही थी कि हम एक प्लान में विंडो किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साथ विंडोज पिलर्स और हमारे साथ स्टेयर हमने किस तरह एडजस्ट किया। तो इंशाल्लाह भाई ले रहे इस प्रोजेक्ट को हम स्टेप वाइज कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।